जय माता दी। दोस्तों, माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूं रक्षाबंधन में सही तरीका जो है वो क्या रहेगा, किस प्रकार से बहनें जो हैं वो भाइयों को राखी बांधें, क्योंकि अभी ज़माना जो है वो बहुत बदल गया। बहुत सारी बहनें हैं जो भाई को सोफे में बैठा के, बेड में बैठा के, या कहीं भी भाई बैठे हैं वहीं पर राखी जो है वो बांध देती हैं। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है, क्योंकि ये भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है और बहुत ही अटूट बंधन है। इसलिए इस त्यौहार को बहुत ही ज़्यादा खास बनाने के लिए बहुत ही उत्तम तरीके से भाई को रक्षा जो है, जो रक्षा का धागा है या जो राखी है वो बांधनी चाहिए। किस प्रकार से बांधनी चाहिए, आज के वीडियो में आपको सारी जानकारी जो है वो बिल्कुल डिटेल से मिलने वाली है। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि सर्वप्रथम आपको क्या करना चाहिए, किस प्रकार से भाई को जो है वो राखी बांधना चाहिए, कौन सा तरीका जो है वो सही है। तो आइए देख लेते हैं। प्रथम आपको क्या करना है, आपको जिस भी जगह पे आप रक्षाबंधन जो है वो मना रहे हैं उस जगह को आपको अच्छे से साफ़ सुथरी कर लेनी है। भले कितनी साफ़ हो फिर भी एक बार उस पे पोछा जो है वो आपको ज़रूर लगाना है। या कच्ची जगह है तो वहाँ पे हल्दी से या गाय के गोबर से आपको लीप लेना है। मैं यहाँ पर इस तरीके से जो सफाई है वो कर रही हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको आटा लेना है और आटा से आपको एक रंगोली जो है वो बनानी है। वो अष्टदल कमल भी बना सकते हैं या जो भी रंगोली आपको आती है उस प्रकार से आपको रंगोली जो है वो आटे की ज़रूर बनाना है। यहाँ पे मैंने अष्टदल कमल जो है वो बना दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हम इसके ऊपर जो है वो पटा रखेंगे। अब पटा क्या है, बैठने वाली जो पटोलिया लकड़ी की आती है वो हम रखेंगे और उसके बाद उसके ऊपर जो है वो हम भाई को बैठालते हैं। ये सही तरीका है, इसके ऊपर भाई जो है वो बैठते हैं और फिर उसके बाद में जो भाई का तिलक है वो किया जाता है। तो देखिए इस तरीके से बिल्कुल आपको करना है। अब इसके ऊपर अपने भाई को बैठा दीजिए और जो भी थाली है वो आपको यहाँ पे लगा के रख लेनी है। अब आपको यहाँ पे देखिए, मेरे भाई तो हैं नहीं अभी, क्योंकि वो हमसे दूर हैं अभी इस टाइम, और मैं जहाँ रह रही हूँ वहाँ पे भाई अभी इस समय नहीं है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ऐसे इस तरीके से आपको जो पटा है वो रख देना है, उसके ऊपर भाई को बैठाना है, फिर आपको तिलक करना है, मिष्ठान खिलाना है, आरती उतारनी है, उनको जो राखी है वो बांधनी है, पानी पिलाना है उनको, और फिर जो नारियल है वो देना है। इस प्रकार से भाई बहनों का जो त्यौहार है वो मनाया जाता है। कहीं भी बैठ के किसी भी प्रकार से आपको जो राखी है वो नहीं बांधनी चाहिए। सही तरीके से आपको बिल्कुल सही नियम से राखी जो है वो बांधना चाहिए, क्योंकि ये रोज़ तो आता नहीं है और पूरे साल बाद आता है, इसलिए आपको इस तरीके से राखी जो है वो बांधना चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना चाहिए, बाद में और चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे राखी आपकी बंध जाती है, उसके बाद आपको जो आपने रंगोली डाली है उसको क्या करना है, ये जो पटा है इसको हटा देना है। फिर आपको जो साड़ी आपने पहन रखी है या आपने दुपट्टा चुन्नी जो पहन रखी है उसके किनारे से आपको ये रंगोली जो है वो इस तरीके से हटाना है और ये इसके पैर छूना है। ये जो आपने रंगोली साफ़ करी इससे आपको माथे पर लगाना है, इसको प्रणाम करना है। ये कोई नाग ना पाए, किसी का पैर ना पड़ पाए, उससे पहले ही आपको तुरंत जिस तरीके से रक्षाबंधन हो जाए तुरंत इसको जो रंगोली को है वो हटा और पैर जो है वो छू लिए जाते हैं। ये है सही तरीका। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सभी माताओं बहनों को रक्षाबंधन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।